छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में आईडीबीपी में जवानों के बीच हुई गोलीबारी में हिमाचल के हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। वहीं विधायक राजेंद्र गर्ग ने केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से महेंद्र सिंह के परिवार को हर संभव मदद करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में आईटीबीपी के जवानों के बीच हुई गोलीबारी में हिमाचल के हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। बिलासपुर जिला के बरठी क्षेत्र के छत्रसंडिहार गांव के हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह उस वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठे जब छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के दुड़ाई पुलिस थाना क्षेत्र के तहत कडनेर गांव में स्थित आईटीबीपी की 45वीं बटालियन के शिविर में एक जवान ने आपसी विवाद में गोली बरसाना शुरू कर दी। गौरतलब है कि महेंद्र सिंह आईटीबीपी में रेडियो ऑपरेटर विभाग में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। वहीं महेंद्र सिंह का शव उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर जिला व पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सहित घुमारवीं से विधायक राजेंद्र गर्ग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले महीने ही 14 तारीख को महेंद्र सिंह छुट्टी काटकर वापस लौटे थे और उनकी इच्छा पक्का मकान बनाने की थी। इस बात की जानकारी देते हुए आईटीबीपी से ही रेडियो ऑपरेटर विभाग से एसआई पद से रिटायर महेंद्र सिंह के पिता करम सिंह ने भावुक होते हुए कही। उन्होंने रोते हुए बताया कि उन्हें दुख है कि आईटीबीपी सेना में इस तरह के हादसे पेश आ रहे हैं जिसमें उनके बेटे की मौत हो गई है। साथ ही उन्होंने इस बात का गर्व किया कि उनका बेटा देश सेवा के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात था। वहीं करम सिंह ने अपने दोनों पोतों शौर्य और अनरव का अच्छा पालन पोषण कर आईटीबीपी में भेजने और देश की सेवा करने और महेंद्र सिंह का पक्का मकान बनाने का सपना पूरा करने की बात भी कही। लेट श्री घूंगर सिंह जी, मेरा बेटा महेंद्र सिंह आईटीबीपी में कार्यरत टेक्निकल इसमें था, रेडियो ऑपरेटर हवलदार। ओ अच्छा, मैं खुद आईटीबीपी का हूँ, एक्स हूँ ऑपरेटर कर्म सिंह इंस्पेक्टर। वो बड़ा अच्छा महकमे में नौकरी किया, बहुत डिसिप्लिन्ड महकमे में, लड़का बहुत लबोरियस था। तो लड़के का उसमें वो हो गया, देहांत हो गया। अब मेरे को इस चीज़ का बड़ा गर्व है। मैं पे लड़के ने इसके लिए जान दी, मैं तो आ गया नौकरी करके ठीक। प्लस वहाँ से इसमें विश्वास नहीं किया जा सकता, जो कि सुना है कि कैसे गोली चली और आदमी ने मारा इतने आदमियों को, पहली बार सुना। इस अपार्टमेंट में था वो बिलीव, तो मैं ये करता हूँ आगे के लिए। बेटा के दो बेटे बनाने समय बोला तो वो पूरा करना पड़ेगा पहले, और दूसरे बच्चे हैं वो बच्चे पांचवीं में पढ़ते हैं। तो अगर हो सके मेरे मैं जीतता मैं आईटीबीपी सेवा कर सकता। वो लड़का बहुत लबोरियस था, बहुत मेहनती था, ऐसा हमें विश्वास नहीं था। ये जो सुना के किसी एक आदमी या इतने आदमी, ये मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे महकमे में आईटीबीपी। कोई ऐसा वो नहीं है, पर जब तक जीता रहेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा। और उनको बेचारों को मेरे ऊपर ही डिपेंड है, वो पोतू जो है तो मेरे ऊपर ही डिपेंड है, तो पूरी कोशिश करूंगा जब तक जीता। और महकमा विधायक राजेंद्र गर्ग ने केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से महेंद्र सिंह के परिवार को हर संभव मदद करने की बात कही। सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो एक मदद हमारे जो जवान हैं उनके जब शहीद होते हैं तो उनके लिए एक विशेष जो मदद दी जाती है